आप देख रहे हैं दखल न्यूज। दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से उमाशंकर गुप्ता को भारी मतों से हराकर पीसी शर्मा आज जनता के बीच आशीर्वाद लेने निकले। हमारे संवाददाता सत्यम शर्मा से उन्होंने कुछ बात की। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं नवनिर्वाचित विधायक दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक पीसी शर्मा जी। आइए हम बात करते हैं, कैसा रहा सफर? कैसा रहा सर, चुनाव का सफर आपने जीत हासिल की? चुनाव का सफर बहुत बढ़िया है। चुनाव के अंदर जीत सबसे बड़ी चीज़ होती है और वो जीत भी दक्षिण पश्चिम से, ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। और यहाँ की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो पूरा दमखम लगाया है, दोनों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और निश्चित तौर पर क्षेत्र में वो चीज़ जो जनता कहेगी और जो कार्यकर्ता देंगे उसी पे अमल होगा। तो कांग्रेस ने जो वादे किए हैं उन पे अभी अमल होना बाकी है, क्योंकि अभी सरकार कहाँ, अभी सरकार बनी कहाँ भैया, अभी सरकार का गठन होगा, उसके बाद अमल होगा। 10 दिन में जो कहा है उनने किसानों का कर्जा माफ होगा होगा, उसकी कार्रवाई कांग्रेस ने शुरू कर दी। कांग्रेस ने कहा कि उसका ब्लूप्रिंट तैयार हो गया, कैसे 10 दिन में माफ करना वो भी पूरा। निश्चित तौर पर 10 दिन के अंदर उसके ऑर्डर हो जाएंगे। आप अटकलें लगाई जा रही हैं कि आप भी मंत्री पद की दौड़ में शामिल हैं, तो ये क्या सच है? ये अटकलें सब खत्म हो जाएंगी, कल तक सब रिजल्ट आ जाएंगे। दखल न्यूज की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आपका भी बहुत आभार, आपके माध्यम से सभी मतदाताओं का और कार्यकर्ताओं का आभार। अब देखना ये होगा कि जो कांग्रेस के वादे हैं, जो कांग्रेस के वादे वो पूरे कब तक होंगे। 10 दिन का जो बोला गया है कि कर्ज किसानों का कर्ज माफ होगा, वो कितने दिन में पूरा होता है? कैमरामैन तरुण यादव के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज भोपाल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।